रूस यूक्रेन विवाद पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, हम सबकी भी निगाहें हैं, और हम सबके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे कि क्या रूस यूक्रेन पर आक्रमण करेगा, क्या अमेरिका सहित दुनिया के बड़े देश उस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगाएंगे, क्या रूस सारे प्रतिबंधों को दरकिनार कर तीसरे विश्व युद्ध को अंजाम देगा, रूस इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर रहा है। ऐसे तमाम सवाल हमारे मन में आ रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इसका असर पड़ेगा और अलग अलग देश इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब आज के एपिसोड में हम देखेंगे। नमस्कार, ढेर टीवी के ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहांस्क, जिन्हें मिलाकर डोनबास क्षेत्र कहा जाता है, की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दिया है, जिससे रूस इन क्षेत्रों को मिलिट्री असिस्टेंस दे सके, यहां पर अपनी मिलिट्री भेज सके और अपनी मोटिव पूरे कर सके। यह पश्चिमी देशों को रूस द्वारा दी गई एक तरीके से खुली चुनौती है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस के इस कदम पर उस पर आर्थिक और अन्य प्रतिबंध लगाने की बात कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने रूस के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कहा है। इसके साथ ही यह दिख रहा है कि ईस्ट और वेस्ट का रिलेशन बहुत निचले स्तर तक चला गया है। ऐसा लगता है कि रूस तमाम आर्थिक प्रतिबंधों और अन्य प्रकार के सैंक्शंस के लिए तैयार है। उसकी तरफ से यह बयान भी आया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने ईस्टर्न यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए अपनी फोर्सेस को आदेश दिया है। पुतिन का कहना है कि उन्होंने वहां पर पीस कीपिंग ऑपरेशंस भेजे हैं, लेकिन पुतिन की जो मनसा है पूर्वी यूक्रेन को लेकर के, वो किसी से छिपी नहीं है। अब यहां अगर हम देखें कि डोनेत्स्क और लुहांस्क जो शहर हैं, वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और उनको निशाना बनाने की कोशिश रूस ने क्यों की है, तो हमें कई सवालों के जवाब मिलेंगे। डोनेत्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के दो ऐसे शहर हैं जहां रूस समर्थक अलगाववादियों ने यूक्रेन सरकार के खिलाफ लगातार युद्ध छेड़ रखा है। अलगाववादियों ने इन दोनों शहरों को गणतंत्र यानी रिपब्लिक भी घोषित कर रखा है, यानी कि पूरा साजो सामान तैयार है। रूस के जो मोटिव्स हैं वो इस क्षेत्र में पूरे हो सकते हैं इन दोनों की मदद से। पुतिन ने दोनों शहरों में अपनी सेना भेजकर अलगाववादियों को खुली मदद देने का भी ऐलान कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सीमा से लगे डोनेत्स्क की गिनती एक समय यूक्रेन के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर होती थी और यह डोनबास राज्य का मुख्य शहर है, जहां कई अहम खनिजों का भंडार है। यह शहर यूक्रेन के बड़े स्टील उत्पादक केंद्रों में से है। यहां की जनसंख्या करीब 20 लाख है और वहीं लुहांस्क, जिसे पहले वोरोशिलोव ग्राद के नाम से जाना जाता था, यूक्रेन के लिए कोयले का अहम भंडार है। यह शहर भी डोनबास क्षेत्र का हिस्सा है और रूस के साथ सीमा साझा करता है। इस शहर का उत्तरी हिस्सा ब्लैक सी से लगता है। डोनेत्स्क और लुहांस्क, जिसे डोनबास प्रांत का हिस्सा माना जाता है, वह रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की मुख्य जड़ रहा है। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद डोनबास क्षेत्र यूक्रेन का हिस्सा बना। उधर रूस का कहना है कि डोनबास की अधिकतर जनता रूसी भाषा बोलती है और इसीलिए उसे यूक्रेन के राष्ट्रवाद से बचाया जाना जरूरी है। रूस की तरफ से 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के ठीक बाद इन दोनों ही शहरों में रूस समर्थक अलगाववादियों ने कब्जा करने की कोशिश की और ज्यादातर इलाकों पर नियंत्रण हासिल भी कर लिया, लेकिन यूक्रेन ने इन दोनों क्षेत्रों में सेना भेजकर अलगाववादियों को रोकने की भरपूर कोशिश की। डोनेत्स्क और लुहांस्क को यूक्रेन में बनाए रखने के लिए यूक्रेन के सैनिक पिछले 8 साल से अलगाववादियों का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना और अलगाववादियों की जंग में अब तक 14,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव इस समय चरम स्थिति पर पहुंच चुका है और सवाल ये उठता है कि रूस किस तरीके के ट्रिक्स, किस तरीके की स्ट्रेटजी के साथ क्या क्या काम करना चाहता है, उसका अगला मूव क्या होगा। अभी बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें बेलारूस से रिलेटेड आई थीं। यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर, खासकर बेलारूस बॉर्डर पर, रूस ने अपनी सेना भी तैनात की। 10 फरवरी से 20 फरवरी तक मॉस्को और मिन्स्क के बीच यूनियन रिजॉल्व संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया और नाटो ने इसे शीत युद्ध काल से अब तक का सबसे बड़ी सैन्य तैनाती यानी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करार दिया है। रूस के इस प्रकार की गतिविधियों को पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमला करने की योजना करार दिया है। इस्कंदर और SU-400 मिसाइलें भी यूक्रेन के खिलाफ चाक चौबंद की गई हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस से इस मसले पर बात करने की पहल की
और उनका कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन के पास किसी नई सैन्य गतिविधि को आगे न बढ़ाने की बात की है, लेकिन खबरें यह भी हैं कि रूस ने ऐसी प्रतिबद्धता से इनकार भी किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन खुले तौर पर यूक्रेन के समर्थन में आगे आए हैं और उनका कहना है कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध किया तो रूस को इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। अब यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नाटो फैक्टर क्या है, नाटो के चलते ये रूस और यूक्रेन का विवाद इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है और क्रीमिया जो विवाद था उसके चलते ये मुद्दे को इतना बड़ा तूल किस तरीके से मिला। 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तब से लेकर आज तक रूस और यूक्रेन के बीच संबंध तनावपूर्ण बने रहे हैं। आज रूस यूक्रेन विवाद के बारे में यहां तक कहा जा रहा है कि यह तीसरे विश्व युद्ध को हवा दे देगा। वहीं अमेरिका सहित कई बड़े यूरोपीय देश लगातार इस बात से आशंकित हैं कि रूस का यूक्रेन के संबंध में अगला कदम क्या होगा, कहीं रूस यूक्रेन पर बड़े हमले तो नहीं करेगा। वहीं यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो का सदस्य बनने की मंशा रखता है, जिससे यह भी साफ है कि यूक्रेन को विश्वास है कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देश उसके हितों की सुरक्षा के लिए उसके साथ खड़े होंगे। यूक्रेन के नाटो में शामिल हो जाने के बाद रूस तक नाटो देशों की पहुंच का इलाका काफी बढ़ जाएगा और ये बात रूस को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नाटो का चार्टर का अनुच्छेद 5 सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर बल देता है और इसका मतलब यह है कि अगर नाटो के किसी एक सदस्य पर कोई भी देश मसलन रूस या कोई भी हमला करता है तो यह अमेरिका सहित सभी नाटो पर हुआ हमला माना जाएगा और फिर नाटो फोर्सेज इसका प्रतिकार करेंगे। यही कारण है कि यूक्रेन नाटो की सुरक्षा छतरी के दायरे में आने के लिए लालायित दिखा है। यह पहला प्रमुख कारण है कि रूस यूक्रेन के प्रति अच्छा भाव नहीं रख पा रहा है। जिस अमेरिका ने काट्सा कानून के तहत रूस को शत्रु देश घोषित कर रखा है, उसी के साथ सहयोग के जरिए यूक्रेन अपनी सुरक्षा के नींव मजबूत करना चाहता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यूक्रेन के संबंध में रूस की आखिर क्या मंशा है और वह कौन सी वजह है जिससे तृतीय विश्व युद्ध की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। यूक्रेन रूस और यूरोपियन यूनियन दोनों से सीमाएं साझा करता है और वहीं यूक्रेन और रूस दोनों ही यूरोपियन यूनियन के देशों की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। यूक्रेन के रास्ते से ही रूस से प्राकृतिक गैस, तेल और अन्य खनिज संसाधन यूरोपीय बाजारों में पहुंचते हैं और यहां पर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर रूस ने यूरोपीय देशों को ऊर्जा संसाधनों की सप्लाई करनी बंद कर दी या फिर यूक्रेन ने इसके लिए मार्ग नहीं प्रदान किया, दोनों ही स्थितियों में यूरोप के लिए बड़ी चिंता सामने आ जाएगी। रूस और यूक्रेन विवाद में दुनिया की दिलचस्पी का मुख्य कारण जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है। इसका मतलब है कि यह क्षेत्र विभिन्न देशों की राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से जरूरी है। बात अगर भारत की करें तो भारत के रिश्ते रूस से एक बार फिर नए सिरे से पुनर्परिभाषित हुए हैं। भारत रूस डिफेंस डील पर अमेरिका के दबाव को भारत ने जैसे तैसे संभाल लिया और जब हाल ही में अमेरिका ने भारत से यूक्रेन मुद्दे पर सकारात्मक भूमिका निभाने की खुली तौर पर अपेक्षा की, तब भारत की राजनीतिक सूझबूझ के सामने एक चुनौती आ गई कि वह क्वाड के अपने सबसे बड़े कोलैबोरेटर की बात सुने या फिर अपने परंपरागत मित्र रूस से अपने संबंधों को नई गतिशीलता प्रदान करे। भारत ने हाल ही में यूक्रेन संकट पर तत्काल तनाव कम करने के लिए कहा और इस मामले में सभी देशों के उचित सुरक्षा हितों को भी रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे को लेकर चर्चा होनी चाहिए या नहीं, इस पर वोटिंग हुई और भारत इस वोटिंग से बाहर रहा, यानी भारत ने एब्सटेन किया। गौरतलब है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी होना है और इसके अलावा भारत का ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते के पहले दौर की वार्ता हुई है। यूक्रेन विवाद बढ़ने से यूरोपीय देश आर्थिक और राजनयिक तनाव की स्थिति में आ जाएंगे, जिससे भारत के आर्थिक हितों पर प्रभाव पड़ेगा। यहां हमें यह भी देखने की जरूरत है कि रूस और यूक्रेन विवाद में एनर्जी गेम कैसे लगा हुआ है, जो एनर्जी रिसोर्स पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। रूस और यूक्रेन दोनों ही तेल और गैस के मामले में समृद्ध हैं। रूस के पास विश्व का सबसे अधिक प्रमाणित गैस भंडार लगभग 48,938 बिलियन क्यूबिक मीटर है और रूस के गैस भंडार के 70% से अधिक हिस्से पर मालिकाना हक या स्वामित्व सरकारी ऊर्जा कंपनी गैज़प्रोम के पास है। वहीं यूरोपीय देशों को जितनी प्राकृतिक गैस की जरूरत पड़ती है, रूस उन्हें उसका एक तिहाई हिस्सा सप्लाई करता है, लेकिन अप्रैल 2021 के बाद उसने इस आपूर्ति में बड़ी कटौती की है।
हालांकि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो इस स्थिति में अमेरिका रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दे चुका है। हमले की स्थिति में रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यूरोप को होने वाली गैस की आपूर्ति भी पूरी तरह बाधित हो सकती है। इससे पूरे यूरोप में ऊर्जा संकट भी पैदा हो सकता है। वहीं रूस पर प्रतिबंध की स्थिति में अमेरिका को यूरोप को अच्छी कीमत पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने का अवसर मिलेगा। रूस के पास इस समय 80 अरब बैरल यानी दुनिया के कुल तेल भंडार का 5% सिद्ध तेल भंडार है, प्रोवेन तेल भंडार है। वहीं यूक्रेन में भी 395 मिलियन बैरल तेल और 349 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का एक बड़ा भंडार है। अजोव सागर क्रीमिया के पूर्व में और यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है और इसके उत्तरी किनारों पर यूक्रेन के दो बंदरगाह हैं, बर्डयांस्क और मेरीपोल। इनका इस्तेमाल अनाज और इस्पात जैसे उत्पाद का निर्यात करने में किया जाता है। यहाँ से कोयले का आयात भी होता है। तो यूक्रेन का कहना रहा है कि ये बंदरगाह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर रूस मेरीपोल से लोहे और स्टील के जहाज रोक लेता है तो उससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान होगा। रूस और यूक्रेन के बीच हुई 2003 की संधि के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच कर्च जलमार्ग और अजोव सागर के बीच जल सीमाएं बटी हुई हैं। अजोव सागर जमीन से घिरा हुआ है और काला सागर से कर्च के तंग रास्ते से होकर ही इसमें प्रवेश किया जा सकता है। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह से आ रहे जहाजों की निगरानी जब भी की तो यूक्रेन ने इसका विरोध किया। रूस पहले ही आरोप लगा चुका है कि यूक्रेन के जहाज अजोव सागर में गैरकानूनी ढंग से उसकी जल सीमा में घुस आए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन पर युद्ध के परिणामों को समझता है। वो पहले से ही कई प्रतिबंधों को झेल भी रहा है और इसके साथ ही वैश्विक राजनीतिक समुदाय में उसकी पहचान को एक आक्रामक देश के रूप में बड़ा झटका लगेगा। इसलिए अगर यूक्रेन अपनी गतिविधियों को रूस के हिसाब से थोड़ा भी मोड़ता हुआ दिखेगा तो रूस भी अपनी आक्रामकता में कमी कर सकता है। फ्रांस से सीख लेते हुए प्रमुख यूरोपीय देशों, पश्चिमी देशों को टकराव की राजनीति को छोड़कर रूस और यूक्रेन के मध्य मध्यस्थता करने की पहल करनी चाहिए। लेकिन शक्ति राजनीति और वर्चस्व की होड़ की मानसिकता से लगे प्रभावी देश ऐसा कर ही पाएंगे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि रूस और यूक्रेन का जो विवाद है इस पर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों की क्या प्रतिक्रिया है, जो महत्वपूर्ण रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इसके समाधान के कौन से संभावित बिंदु हो सकते हैं, उन सब पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का हमारा रूस और यूक्रेन से जुड़े विवाद पर कार्यक्रम। अब बारी आज के सवाल की। आपको बताना है कि डोनबास जो क्षेत्र है जिसके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्धारण के अधिकार को लेकर जो वहाँ पर अलगाववादी हैं जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, वो किस तरीके से रूस को एक महत्वपूर्ण एज देगा और डोनबास क्षेत्र का ऐसा क्या महत्व है जिसके चलते रूस ने इस इलाके को अपना पावर मोटिव का एक नया जखीरा बनाया है। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Thank you.